वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट सवालों को, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर टू, एनसीसी की स्थापना कब की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1948 को। आगे सवाल है, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर फोर, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्वेत्रिक मतलब सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। आगे सवाल है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर एट, गुजरात राज्य की राजधानी कहां है? गुजरात की राजधानी कहां है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर नाइन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर टेन, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, दीप शिखा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 28वां राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैलोरी खपत। नेक्स्ट सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका फिर से सुन लीजिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक से। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आग जलाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुबई। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। इसका पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी जो करते हैं करिए, साथ में हमारे जो डेली रेगुलर वीडियो अपलोड होता है उसे आप अवश्य देख लिया कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं
और यदि आप हमारे सभी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपके जीके जीएस औरों से जरूर अच्छा हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।